करदा वादा, नहीं करदा मैं एक छोटा जा घर होना, लग करूं नहीं जुड़ने ने हजारा बिच ही सर होना, मैं ओना चुन ही जो तेनो पौड़ ली वड्डे वड्डे खाब दिखाए, मैं ओना चुन ही जो तेनो पौड़ ली अंबरा तो तारे ना ही कहूंगा जिन्ना कर सकूंगा, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरांगे जिंदगी दी पौड़ी तक जिथे चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे संसार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित अली है और मैं हवल श्रीनगर से हूँ। मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ कि मैं अपना जो अंदर मतलब है दिल में बोलता जाता हूँ, चाहे वो फिर पोइट्री के तरीके से हो या म्यूज़िक के तरीके से। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की ग्रीनलैंड श्रीनगर से, और मतलब यहाँ पढ़ाई के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करे कि जिससे मतलब टैलेंट अपना जो अंदर था वो लोगों तक पहुंच पाए, कि जब तक अगर टैलेंट अंदर दबता जाता है तो वो बात कभी वो फिर अपने आप को ही छुपती है वो बात। सो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। मैंने इंस्टाग्राम एक प्रोफाइल मैंने अपना बनाया 2016 में, उस पर जब अपना कंटेंट छोड़ने लगा मैं तो काफ़ी मतलब कम रेस्पॉन्ड आता था, ऐसे 15 या 16 व्यू एक वीडियो के आते थे। एक टाइम फिर ऐसा लाइफ में आया कि जब 7 मिलियन एक वीडियो का चला गया वे, वो मतलब जितने क्रिएटर्स थे बड़े क्रिएटर्स यहाँ के या इंडिया के या पाकिस्तान के या जो वर्ल्ड वाइड जो क्रिएटर्स मतलब है, 40,000 लोगों ने उस वॉइस को यूज़ करके फिर अपने तरीके से उसके इमोशंस दिखाए थे, एंड दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। एंड काफ़ी टाइम फिर ऐसा हुआ जब लोगों ने बताया कि पोइट्री में क्यों हो ऐसे ऐसे करके, तो स्टेप बाय स्टेप फिर आगे चलता गया, एंड आई जस्ट मेड माय ओन सॉन्ग हकीकत। उस गाने की मतलब उस गाने का नाम ही उसकी असल हकीकत बताता है, और वो जब हमने जब वो रिकॉर्ड किया उस गाने में ऑलमोस्ट 4 महीने लगे उस गाने को बनाने में, एंड इमाद क्लिक्स और डाउनस्ट्रीम स्टूडियोज उन लोगों के साथ मतलब जब मैंने काम किया तो मैंने समझा कि असल में प्रोफेशनली काम करना होता क्या है, क्योंकि जैसे मैं वीडियोस बनाता था वो काफ़ी मतलब इमैच्योर तरीके से और काफ़ी मतलब आई गेस वो एक चाइल्डिश एक्ट था कि उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना। तो जब धीरे धीरे सीखा तो वो चीज़ें हुई। काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या फैमिली का सपोर्ट था आपको वक्त पे, मैं ऐसा बोलूँगा कि मुझे भी अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मुझे भी काफ़ी टॉन्ट्स करते थे अपने दोस्त अपने रिलेटिव्स अपने इनफैक्ट अपने घर वाले तक कि क्या गिटार लेके निकलते हो, क्या गिटार बजाते हो या क्या ऐसे करते हो। बट एट द टाइम मतलब जब हम अपने आप को प्रूव करते हैं ना तो फिर कामयाबी भी खुद ही आ जाती है, और आपके घर वाले क्या फिर जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली आपको फिर सोसाइटी की फ़र्क ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे हो जिससे कुछ गलत चीज़ प्रमोट हो रही है। तो बेसिकली ये चीज़ थी। तो जब मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ दैट वाज यू नो चर्चे तेरे बासित के हर गली हर शहर, दुनिया तो कब की जीत ली, एक तू ही बेवफा नहीं मिलती प्यार करने के लिए, दिस वॉज द फर्स्ट पोइट्री वीडियो जो मेरा वायरल हुआ था बहुत ही ज़्यादा। इवन मुझे पता भी नहीं थी कि वो चीज़ वायरल हुई थी। एक गाड़ी में हम लोग थे 3 दोस्त, मैं स्टोरी बोलता हूँ उस वीडियो की, एक गाड़ी में थे और
मैं ऐसे ही आगे बैठ के रिसाइट कर रहा था पोइट्री, एंड इवन मेरे को खुद नहीं पता थी कि व्हाट आई वाज रिसाइटिंग। मेरा पीछे एक दोस्त बैठा था सदीद नाम से, और हम लोग का एक बैंड भी है आवाज़ द बैंड, रेहान कुरैश सदीद मैं एंड अरसलान, तो वो लोग पीछे वीडियो ले रहे थे। और मुझे रात के 12 बजे कॉल आया कि भाई तेरे टिकटॉक से हम लोगों ने ये जो तेरी पोइट्री है ये अपलोड की है, और इसका एक दिन में 3 मिलियन इसका व्यू चला गया, इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इट्स लाइक नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब पहली बार ऐसा इंसान के साथ होता है तो वो अपनी जगह फिर सोचता है कि ये मतलब सही है, ये हुआ है मेरे साथ। बट फिर जब खुद से मैंने देखा तो फिर मुझे लगा नहीं, जब तक कुछ है नहीं तब तक लोगों को ऐसे ही पसंद तो आएगा नहीं। उसके बाद जब घर वालों ने वो चीज़ें देखी कि बंदे को इतना प्यार मिल रहा है दुनिया से, तो दे सपोर्टेड मी, मतलब उन लोगों ने, घर वालों ने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई रिलेटिव बोलता था तो बोलते थे इसकी लाइफ है, ये जिस हिसाब से अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है इसको दिखाने दो, इसको जज नहीं करो, क्योंकि अभी ये बड़ा हो गया एंड इज लाइक यू नो, इसने अगर बचपन से इस चीज़ को किया है, खुद से गिटार सीखा है, खुद से पोइट्री में गया, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, ये तो अच्छी बात है कि गलत चीज़ों में नहीं पड़ा। एंड मेरे हिसाब से इंसान की ज़िंदगी में ना एक एक्सीडेंट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो वारदात, वो इंसिडेंट्स ही उसको चीज़ें सिखाता है कि आप खुद को कैसे फिर आगे ग्रूम कर सकते हो और खुद को आगे कैसे ले जा सकते हो। देखो ये मेरा ऐसे प्रोफेशन तो है नहीं, जैसे पैशन फॉर मी, और मतलब मैं जितना अंदर से जितना फील करता हूँ वही अपने कलम की तरफ से वो लिखता जाता हूँ, या अपने म्यूज़िक की ओर से वो लोगों तक पहुँचाता हूँ। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं सोसाइटी इतनी ख़राब हो रही है, अगर किसी के साथ कुछ हुआ होता है वो मेंटली इतना डिप्रेस हो जाता है, उसको ये सोसाइटी इतना टॉर्चर करती है, वो बंदा ड्रग्स लेने लगता है, एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टेप। अभी इतने सारे मतलब सुसाइड्स हो रहे हैं, क्यों? इसका यही रीज़न है कि हम लोग ना मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देते। इसकी भी बहुत मतलब चीज़ें हैं, अगर एक फैमिली अपने बच्चे को फुल सपोर्ट दिखाए ना, और अपने दिल से उसको उन चीज़ों में लगाए जिससे वो उन गलत चीज़ों से दूर रह सकता है, तो आई बिलीव वो चीज़ें ना बहुत कम होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म होगी। तो वही चीज़, एंड मैं कुछ टाइम के लिए बाहर पढ़ने गया था LPU जलंधर पंजाब, तो वहाँ से आई वॉज परसुइंग माई बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा बीमार हो गया, तो मेरी फैमिली थोड़ा ओवर कंजर्वेटिव है, सभी होते हैं अपने बच्चों को लेके, तो मेरे को वापस ले आए कश्मीर, क्योंकि वो समझते थे कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ। हाँ, मैंने वापस से यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, मैं अभी BBA कर रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा प्रोफेशन है असल में, ये BBA करना और ये चीज़ें, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ ऐसा करो जिससे आपने आपके जो माँ बाप है वो सिर उठा के चले। मतलब सीरियसली, जब आप सब लोग आ रहे थे तो जब उन्होंने सुना कि ऐसे प्रेस आ रही है घर, तो वो काफ़ी खुश हुए अपनी जगह के। इतना मैं अभी खुद को नहीं बोलूँगा कि इतनी अचीवमेंट्स है, बट जितना भी है माशाल्लाह, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट, एंड मुझे अच्छा लगता है लोगों तक वो बात पहुँचाने के। गलत तरीके में भी मैंने अपने दर्द को यूज़ नहीं किया, या उस चीज़ से मैं वो चीज़ें करता हूँ, मैं कभी ऐसी वीडियोज़ भी अपने सोशल मीडिया पर डालता हूँ कि जिससे किसी बंदे की हेल्प हो जो इन चीज़ों से जुलझ रहा है, जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है। बट इट समटाइम्स इट्स गुड टू यू नो फाइट अगेंस्ट योर सेल्फ, वो एक वो लाइफ है, लाइफ का मीनिंग ही तो ये है कि आपको हर दिन कुछ नया सीखना है एंड हर दिन कुछ ट्राई करना है। वैसा ही मतलब मैं करता हूँ, इवन जब मैंने 6th 7th क्लास में गिटार सीखना स्टार्ट किया था, तो यहाँ कश्मीर में ज़्यादा टीचर नहीं थे गिटार सिखाने के लिए या कुछ ऐसे, तब जितनी पॉकेट मनी मेरी थी उससे XXX तो वहाँ की फ़ी थी। एंड मैंने बोला कि पहले घर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था मुझे इन चीज़ों में, अगर मैं बोलता कि मुझे गिटार सीखना, मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देते। बट मैंने क्या किया, YouTube जो है, मैंने YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखे इसके गिटार के या बाकी चीज़ों के, एंड वो चीज़ें मैंने स्टार्ट की करना। और हाल ही में जो ये अभी ये पैंडमिक चल रहा है, इसमें जो लॉकडाउन है अभी, इसमें एक ऐसी चीज़ मैंने स्टार्ट की है, मैं मिक्सिंग और मास्टरिंग सीख रहा हूँ म्यूज़िक की, क्योंकि
मैं सोचता हूँ कि जो बाहर से करे वो खुद से ही करो घर पे बैठ के, एंड जो अगर मैं सीख रहा हूँ अभी तो कभी ना कभी तो काम आएगा ही। आप लोगों को बताता चलूँ, मेरे जितने वीडियोस हैं वो मैंने सारे खुद से एडिट किए, बस एक को छोड़ के, हकीकत को, वो इमाद क्लिक्स ने उसकी सिनेमाटोग्राफी भी की थी, बाकी उसकी जितनी भी एडिटिंग वगैरह है, म्यूज़िक है, वो डाउन स्ट्रम्स ने किया था। उस गाने में जितने लिरिक्स यूज़ हुए थे कश्मीरी और उर्दू, वो हमने खुद लिखे थे, एंड कंपोज वो विद इन वन मंथ हुआ था, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि जल्दी 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 करेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जल्दबाजी में करना भी नहीं चाहिए कुछ, जितना उसमें टाइम लगा उतना वो अच्छा हुआ। ये वो पोइट्री है जब मैंने स्टार्ट किया था धीरे धीरे लिखना, और मैंने उर्दू को थोड़ा बहुत समझा था, अभी पूरा मतलब इतना नहीं बोलूँगा कि पूरा आता है मुझे, लेकिन आई ट्राई टू रीड बुक्स, मतलब दीवाने गालिब है या बाकी किताबें हैं उनसे थोड़ी परफेक्शन मिलती है। तो ये थोड़ा उस टाइम के अशार है कि खुद को ज़ख्म देकर खुद ही मरहम लगाते हो, ये किस तरह की मोहब्बत है, नया हम सफ़र भी खुद ही बनाते हो। चलो बहालो इश्क चाहे जितना भी दिल करे, अब ये दिल पत्थर है कसम से अगर हिले। तो ये उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें इंसान के साथ, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, तो शायद वो तब दर्द भी था जिसने इन चीज़ों को ना यू नो कलम को मतलब उस एक फीलिंग में तब्दील कर दिया जो आज लोगों को पसंद है। क्योंकि अभी के टाइम में इतने लोग इन चीज़ों से जुलझ रहे हैं, क्योंकि मतलब मेरे वीडियोस पे इतने व्यूज तो फिर नहीं आते, ये सारे कमेंट करते हैं कि सेम स्टोरी। तब मैंने समझा यार ये एक की स्टोरी नहीं है, ये सभी की स्टोरी है। तो ये उस वक्त की पोइट्री है जब मैंने सोचा बहुत हो गया ये चीज़, तो अभी ना माँ पे थोड़ा लिखते हैं। तो ये कुछ मतलब तब लिखे थे, सही आगोश में आपकी मेरा जहाँ बसता है, वरना कहाँ दुनिया में माँ ऐसा प्यार मिलता है। बादे सबा आपको वफा की मिसाल आपको, दुनिया कितनी भी सताए माँ हमेशा साथ आपको। बेबस जब भी होता हूँ फरिश्ता बन के आते हो, माँ आपकी तारीफ क्या करूँ जला हुआ दिल भी हसीन बनाते हो। तो एक माँ को ना मैं लिख नहीं सकता वर्ड्स में, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो वो सही में है। जिस टाइम भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं अपनी माँ से कहूँ बस उनको, और मेरा दिल हल्का हो जाता है। ये सिर्फ मेरा सीन नहीं है, हम सभी जितने भी, क्योंकि एक माँ ही होती है जो असल में दर्द को समझती है। हमने कागज पे एक आशियां लिख दी, आंखों से सींच कर हमने सारी खुशियां लिख दी, जो बात जिसका डर था जिस पे गुमान था लिख दी। दर्द लिखा तो लोग कहने लगे वाह क्या दास्तान